सो हे गाइस, आप सभी का ऑफिस से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल शमशाद अली ऑफिशियल में। आज के वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ वन कार्ड। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे हाथ में है ऑलरेडी वन कार्ड जो कि आ चुका है। कौन से बैंक से टाई अप है, इसके साथ ही क्या मेरी लिमिट है, क्या इसका एनुअल फी है, क्या इसका चार्जेज है और इसकी अनबॉक्सिंग आज की वीडियो में करने वाला हूं। तो दोस्तों चलिए समझने वाले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली सबसे पहले क्या करते हैं, हम आपको यहां पे आप देख लीजिए, मेरे हाथ में है आपका वन कार्ड, यहां पे आप देख सकते हैं। इसके साथ ही ये आपका जो बैंकिंग पार्टनर है, यहां पे आप देख सकते हैं बैंक ऑफ BOB फाइनेंशियल, मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा के थ्रू ये मुझे क्रेडिट कार्ड मिला हुआ है। तो चलिए अब इसको कर लेते हैं पहले ओपन। ओपन करने लेने के बाद यहां पे आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है, यहां पे है कुछ मैनुअल, तो मैनुअल को रखते हैं साइड पे। इसके साथ ही आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एक कार्ड, आपको कुछ इस तरीके से इनकी पूरी डिटेल्स थैंक यू कार्ड्स आपको मिल जाएगा जो कि इस बॉक्स में है। इसके साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आपको कुछ इस तरीके से वेलकम किट मिल जाएगी जिनको आप रीड कर सकते हो अगर आप रीड करना चाहते हो तो। इसके साथ ही यहाँ पर आपको अपने कार्ड को एक्टिवेट करने का एक QR कोड मिल जाएगा, क्योंकि आपको जो कार्ड मिल जाएगा तो उसे एक्टिवेट यहाँ से आप कर सकते हो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों के लिए। अब इसके बाद अब आती है कार्ड की, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, मैं पहले आपको एक बार कार्ड दिखा देता हूं यहां पे कैसे आपका लगा हुआ है। यहां पे आप देख सकते हैं, जैसा कि आप देखेंगे कि यहां पे मेरे नेम की जो कि ब्रांडिंग है यहां पे आप देख सकते हैं। और तो और चलिए इस कार्ड को हम निकाल लेते हैं यहां से। अब निकालने के बाद यहां पे आप देख सकते हैं, एक बार फिर मैं आपको अपने कार्ड को ऐसे दिखा देता हूं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये इंडस्ट्री का फर्स्ट मेटल क्रेडिट कार्ड है। अब इस कार्ड की क्या लिमिट है मैं आपको वो बता देता हूँ। इस कार्ड की अगर हम लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 1,40,000 की लिमिट मुझे मिली हुई है। और तो और इसके साथ ही अगर मैं इसे कहीं पे भी यूज़ करना चाहूँ, इसे मैं कहीं पे ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ पे भी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज़ होता है वहाँ पर मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो कार्ड है वो आपका मेटल का क्रेडिट कार्ड है। तो यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप इसको यूज़ करते हो तो वहाँ पे आपको यूजेस के हिसाब से क्या क्या इसके टर्म्स एंड कंडीशन है, वो इंटरेस्ट और चार्जेस, इसके साथ ही इसके रिप्लेसमेंट कार्ड रिप्लेसमेंट अगर खो जाता है तो क्या चार्जेस लगेगा, इसके साथ ही अगर आप EMI कराते हो तो क्या चार्ज लगेगा। अगर हम बात करें इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट की, अगर आप कोई भी आपका बिल जनरेट होता है उसे आप पे नहीं करते तो 2.50% का आपको इंटरेस्ट लगेगा, लेट फी आपका 2.5%। इसके साथ ही अगर आप कैश विड्रॉ करते हो तो वहाँ पे आपको 2.5। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप क्रेडिट कार्ड से कभी भी कैश विड्रॉ ना करें क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारे चार्जेस लगते हैं। इसके साथ ही ये फर्स्ट टाइम जो कार्ड आया हुआ है यहाँ पे आपका रिप्लेसमेंट चार्जेस है। अगर आप मेटल क्रेडिट कार्ड आप अप्लाई करते हो या आपका ये रिप्लेसमेंट हो जाता है या फिर खो जाता है, आप दूसरा कार्ड मंगवाते हो तो वहाँ पे आपको 3,000 पे करने होंगे। ये जो डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ ये इनकी ऑफिशियल ऐप से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप यही सेम एज इट इज प्लास्टिक कार्ड अप्लाई करते हो तो वहाँ पे आपको 145 रुपये आपने पे करने होंगे। इसके साथ ही EMI चार्जेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको EMI चार्जेस में 1% आपको प्रोसेसिंग फी लगेगा। इसके साथ ही अगर पर मंथ बात करें तो 1.33% और फोरक्लोजर फी जो होगा 2.50% होगा। ये इस तरीके से ये इसके कार्ड का जो भी आपका लिमिट था, इसके साथ ही इसके चार्जेस थे वो मैंने आपको बताया। इसके साथ ही अगर आप इसको कहीं पे भी यूज़ करते हो तो वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे खासे आपको ऑफर्स मिल जाएंगे, मतलब रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। वो कैसे, अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का कहीं पे भी ऑफर आ रहा तो इस कार्ड को आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो एज अ बैंक ऑफ बड़ौदा, क्योंकि ये बैंक ऑफ बड़ौदा का को ब्रांड कार्ड है। यहाँ पे वन कार्ड की अगर हम को ब्रांडेड की बैंक की बात करें जो कि आपका टाई अप है बैंकों के साथ, वो 5 बैंकों के साथ है। पहला जो बैंक है आपका फेडरल बैंक, दूसरा जो बैंक है आपका साउथ इंडियन बैंक, तीसरा है SBM बैंक, चौथा है आपका यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा और पांचवा है आपका यहाँ पे साउथ इंडियन फेडरल और SBM और तो और आपका IDFC फर्स्ट बैंक। ये 5 बैंकों के साथ इनका टाई अप है। तो इनमें से किसी अगर इस कार्ड को आप अप्लाई करना चाहते हो तो बहुत ही आसानी वे में आप इसे अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपने ज़्यादा कुछ की ज़रूरत नहीं है, आपका एक सिविल अच्छा होना चाहिए और इस कार्ड को आप डिजिटली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो वन कार्ड एप्लीकेशन डाउनलोड करके। वहाँ पे 2 से 4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, ज़्यादा आपने कुछ नहीं करना है। सिंपली आपने आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका जो आधार कार्ड है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना
होना चाहिए क्योंकि ये आपके रजिस्टर्ड आधार कार्ड से केवाईसी के लिए डिटेल्स उठाते हैं, तो वहाँ पे आपको केवाईसी करने के लिए आपका आधार में आपका मोबाइल नंबर अच्छे से जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपने वेरीफाई करना है। अगर ये सारी चीज़ों को प्रोसेस को फॉलो करते हो तो आपका कार्ड जो है वो इंस्टेंटली एक्टिवेट हो जाएगा और 2 से 4 दिन में आपके घर पर कार्ड डिलीवर्ड हो जाएगा। सो फ्रेंड, आज की शुरू में आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि वन कार्ड की क्या फी एंड चार्जेस है और इसकी अनबॉक्सिंग की और इस कार्ड को और भी डिटेल से दिखाया। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट्स कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, अपने दोस्त शमशाद अली को इजाजत दीजिए, मिलते से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।